पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के साथ मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ दो दिन के धरने पर बैठी हैं। उनका आरोप है कि केंद्र की बीजेपी सरकार योजनाओं के लिए पैसे नहीं दे रही है, जिसके चलते वे 29 से 30 अप्रैल तक धरने पर बैठी हैं। फिर आगे की रणनीतियों की घोषणा करेंगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी तृणमूल कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी सांसद अग्निमित्रा पॉल ने इस बारे में बात की है, जानिए उन्होंने क्या कहा। ममता बनर्जी एक झूठी है, वो केंद्र सरकार का पैसा जो है तृणमूल का सरकार हड़प लिया है, चोरी किया है, लूटा है, पब्लिक का पैसा लूटा है, और जो पैसा गरीबों के लिए भेजा गया था वो पैसा लूटा गया है। हिसाब दीजिए ना, हिसाब नहीं दे रहे, पैसा मांग रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। और भी तो नॉन बीजेपी स्टेट है, किसी का तो प्रॉब्लम नहीं है। आप चोरी करेंगे करोड़ों का पब्लिक का मनी, पब्लिक का पैसा, और फिर आप आम जनता को आप कंफ्यूज करने का कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहे। नहीं देंगे पैसा, एकदम अलबत्त पैसा नहीं देंगे। आप हिसाब नहीं देंगे, हम लोग पैसा देना बंद कर देंगे। आज पश्चिम बंगाल का यूथ जो है वो बाहर चला गया है। यहाँ का यूथ आज पश्चिम बंगाल में नहीं है, क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं है। यहाँ क्या बोलता है, लिकर बेचा जाता है, लिकर 25 रुपया का लिकर खाओ और बम बनाओ। यहाँ कोई यूथ नहीं है। और जो टीएमसी आज डीए का जो आंदोलन करी है, जो डीए मांग रहे, प्रोटेस्ट कर रहे, उन लोग का सैलरी कट किया है, सर्विस रूल ब्रेक किया है, और आज वो लोग ही जाकर धरना में बैठे हैं। तो टीएमसी ऐसा पार्टी है जो हम लोग बोलते हैं ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। वो लोग एक कुछ प्रैक्टिस करते हैं और दूसरा कुछ वो लोग प्रीच करते हैं। ये जो सरकार है ये दुर्नीति का सरकार है, करप्ट सरकार है। हर एक डिपार्टमेंट में करप्शन हुआ है, हमारा आपका पैसा लूटा गया है। आज गांव-गांव में गरीब को कोई भी सुविधा नहीं मिल रहे। ये सरकार को हटाना है, और ममता बनर्जी से हम लोग कोई संविधान का पाठ नहीं सीखेंगे, उनसे हम संविधान नहीं सीखेंगे। वो जो नेत्री जो 2006 में 30 नवंबर हमारे विधानसभा में घुसकर विधानसभा को भांगचूर किया था, उनका हाथ में उस दिन भी संविधान थे, आज उनसे हम लोग संविधान का पाठ नहीं सीखेंगे।